हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा टेस्ट था SKSSC NEW 01AA KN, और ये टेस्ट हमारा फर्स्ट टेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज़ का जो हम लोगों ने नई लॉन्च की है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग SSC के अंदर सोचते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं पर हमें हमारे नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। SSC नए क्वेश्चन को फ्रेम कर देती है और हम लोग कहते हैं कि अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। नहीं, वो अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, उनको अलग तरीके से प्रेजेंट किया होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अभी ये टेस्ट सीरीज बनाई है इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही किया है कि न्यूज़पेपर से जो क्वेश्चन हमारे बनने चाहिए उनको इसके अंदर इंक्लूड किया है, जो आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट वाले हमें एरर करने हैं। फर्स्ट है, द आउटब्रेक ऑफ द डेड निफा वायरस अराउंड कोझिकोड केरला इज ए टेस्ट ऑफ इंडियाज़ कैपेसिटी टू रिस्पोंड टू पब्लिक हेल्थ एमरजेंसीज। कह रहा है आउटब्रेक ऑफ डेड निफा वायरस। एक्चुअल में जो वर्ड हमारा आउटब्रेक, इसका मतलब होता है किसी डिजीज का स्प्रेड हो जाना, उस जगह पे फैल जाना, वो होता है आउटब्रेक। और ये हमारा फ्रेजल वर्ब से बना, ये नाउन ब्रेकआउट से। ठीक है, तो जो आउटब्रेक हुआ है वो डेड निफा वायरस का हुआ है या डेडली निफा वायरस का? देखो, अगर निफा वायरस डेड है तो उसका आउटब्रेक नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो डेड यहाँ पे वर्ड गलत है। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए कि जो आउटब्रेक हुआ है वो जो निफा वायरस है वो क्या है, डेडली है, घातक है, जान लेने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डेडली निफा वायरस अराउंड मतलब इसके आसपास, इस जगह के जो केरला में है, इज ए टेस्ट ऑफ इंडियाज कैपेसिटी। जो आउटब्रेक हुआ है वो इंडिया की कैपेसिटी का एक हमारा क्या है, टेस्ट है, टू रिस्पोंड टू पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी, कि वो अब जो एमरजेंसी होने वाली है इस आउटब्रेक के अकॉर्डिंग उसको कैसे ये रिस्पोंड करता है, इसकी कैपेसिटी का क्या है, एक टेस्ट है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे डेड की जगह क्या आएगा, डेडली वर्ड आएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली व्हेन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस आर कंप्लीट कैन इट बी डिटरमाइन हाउ कंटेजियस द वायरस रियली इज। यहाँ पे कह रहा है ओनली व्हेन, केवल तभी इन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस आर कंप्लीट। देखो, हमें यहाँ पे लग रहा होगा सर यहाँ पे आर वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पे कंप्लीट ही आना चाहिए। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि हमारे जो कई वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में वर्ब भी होते हैं और अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इन्वेस्टिगेशंस आर कंप्लीटेड, इसका मतलब हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट किया गया, उनको बीच में नहीं छोड़ा गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ इन्वेस्टिगेशंस आर कंप्लीट तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इनफ है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ओनली व्हेन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस आर कंप्लीट कैन इट बी डिटरमाइन। देखो, एरर हमें मिल गया यहाँ पे, यहाँ पे है कैन इट बी, जब कैन बी हमारी मेन वर्ब होगी, अगर इसके बाद हमें वर्ब यूज करनी है जो कि पैसिव में होती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, हम लोग करते ना यूज इट कैन बी डू या डन, हम कहते हैं इट कैन बी डन, मतलब पैसिव होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी पड़ेगी अगर बी के बाद हम वर्ड वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी के बाद डिटरमाइन वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी डिटरमाइंड। तो कैन इट बी डिटरमाइंड मतलब इसका पता लगा जा सकता है, हाउ कंटेजियस द वायरस रियली इज, कि जो वायरस है वो कितना कंटेजियस है, मतलब कितना कहते हैं ना संक्रमण करने वाला है, कितना फैलने वाला है, क्या इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। ठीक है, मतलब अगर ये क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होती हैं, पूरी होती हैं, इनफ होती हैं, तभी इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि जो वायरस है वो कितना संक्रमणकारी है, कितना स्प्रेडिंग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिटरमाइन वर्ड है, इसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, सेकेंड पार्ट में हमारा एरर था। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हमें फिलर को करना है, केरलाज हेल्थ अथॉरिटीज मस्ट एंश्योर दीज प्रिंसिपल्स आर वाइडली डैश एंड नो प्रिवेंटेबल ट्रांसमिशन टेक प्लेस। अब देखो, सीखने की बात यहाँ पे ये चीज़ है कि जो फिलर से पहले जो वर्ड आया है यहाँ पे वो हमारा एक एडवर्ब है। क्या है एडवर्ब? एडवर्ब का मतलब है जो फिलर में आ सकता है जो वर्ड हमारा, या तो वो वर्ब होगी,
या हमारा हो सकता है एक एडजेक्टिव या होगी एक अपने आप में एडवर्ब, ठीक है। नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, हमें ये चीज़ तो पता लग गई। अब पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। केरलाज हेल्थ अथॉरिटीज़, जो केरला की हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, मस्ट एंश्योर, उनको पक्का कर लेना चाहिए दीज प्रिंसिपल्स, कि जो प्रिंसिपल्स हैं आर वाइडली डैश, देखते हैं, वाइडली अडाप्टिड। अडाप्टिड का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कई जगह पर जाते हैं, मान ले कोई हरियाणा का लड़का कहीं MP में चला जाए तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, मतलब अनुकूल बनना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको अनुकूल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल को डीजीज के अकॉर्डिंग अनुकूल बनाओगे तो वो अनुकूल नहीं हो पाएंगे। प्रिंसिपल तो हमको क्या है वहाँ पे लागू करने हैं, ठीक है, अनुकूल नहीं बनाना वहाँ पे, तो अडेप्टेड वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड है आर वाइडली आइडेंटिफाइड। वाइडली आइडेंटिफाइड का मतलब हो जाएगा कि उनको सभी जगह जाना जाए। अगर हम लोग इन प्रिंसिपल्स को लगाते हैं या इम्पोज करते हैं या इनको प्रोवाइड करते हैं तो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि हर एक बच्चे को पता है क्या हम लोगों ने जो प्रिंसिपल लगाए हैं, नहीं, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब प्रिंसिपल्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपको ये प्रिंसिपल मिलता है, आपको ये मिलता है, अरे नहीं, बिल्कुल इरेलेवेंट है, नहीं होगा। फोर्थ है अडोप्टिड। अडोप्टिड का मतलब अब इन अथॉरिटीज़ को ये पक्का चेक करना पड़ेगा कि जो उन्होंने प्रिंसिपल लगाए हैं वो हर जगह लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं। अडोप्टिड का मतलब उन्होंने अपनाए हैं या नहीं अपनाए हैं, ठीक है। तो फोर्थ ही ऑप्शन हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे क्या मिलना चाहिए तो हमें यहाँ पे वर्ब मिली है, ठीक है, जो हमारे क्या थी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। एंड देखो आगे क्या है, एंड नो प्रिवेंटेबल ट्रांसमिशन टेक प्लेस। एंड नो प्रिवेंटेबल ट्रांसमिशन मतलब, प्रिवेंटेबल का मतलब होता है जो चीज़ हमें बचाई जा सके, प्रिवेंट कर सके जिसे। तो इन अथॉरिटीज़ को ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो ट्रांसमिशंस हैं कहीं एक दूसरे से ना फैल सके वो चीज़, उनको ऐसी चीज़ें भी प्रिवेंट करनी पड़ेगी। प्रिवेंट करने से मतलब है कि ऐसे ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा इनको, कहीं एक कोई ग्रसित हो जाए उस रोग से तो कहीं सामने वाला या उसके साथ वाला भी उससे क्या हो, डिजीज़ को अपने ले ना ले वो, ठीक है, उसको भी डिजीज़ ना लग जाए। तो ऐसे प्रिवेंटेबल ट्रांसमिशन उनको देखने पड़ेंगे, इंश्योर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, एज ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ इन्फेक्शंस कंट्रोल आर क्रूशियल टू डैश द डेडली आउटब्रेक। कह रहा है जो एज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो हम लोग पुराने ज़माने से मानते आ रहे हैं प्रैक्टिसेस को, ऑफ इन्फेक्शंस की कंट्रोल आर क्रूशियल, मतलब जो ये प्रैक्टिसेस हैं ये क्रूशियल हैं, मतलब इम्पोर्टेंट हैं टू डैश द डेडली आउटब्रेक। डेडली आउटब्रेक मतलब जो अभी आउटब्रेक हुआ है, जो अभी डिजीज का स्प्रेड हुआ है वो डेडली है, जानलेवा है, उस चीज़ को पता नहीं क्या करने में ये इम्पोर्टेंट है। देखते हैं वर्ड हमारा, उसको लिमिटिंग करने में। अब टू के बाद तो लिमिटिंग नहीं आएगा ना, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वो कुछ एक पार्टिकुलर फ्रेज होते हैं जहाँ पर हम लोग जीरेंट यूज करते हैं, जैसे विद ए व्यू टू होता है हमारा, जैसे हमारा होता है कस्टम टू होता है, एडिक्टेड टू होता है। तो कुछ एक पार्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद लास्ट में टू आता है और उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करते हैं, लेकिन क्रूशियल टू के बाद तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड है क्रूशियल टू मास्टर। अब इस आउटब्रेक को मास्टर करना, इसको मतलब इसकी एक्सट्रीम सेंस लेके जानी है कि अब तो कम ये यहाँ पे लोगों को मार रहा है, अब ज़्यादा मारने लगेगा, अरे नहीं, मास्टर नहीं करना इसको, बिल्कुल गलत वर्ड है। थर्ड है लिमिट। अब देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये हमारा आंसर हो सकता है कि इसको लिमिट करना है, उसको क्या है स्टॉप करना है उस डेडली आउटब्रेक को, ये हमारा आंसर हो सकता है। टू अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब देखो, एक तो होता है हमारी संधि एग्रीमेंट जब नाउन होता है, लेकिन अकॉर्ड का जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो किसी से सामंजस्य बिठाना होता है, एग्रीमेंट करना, एग्री करना होता है अकॉर्ड का, ठीक है। तो इसको एग्री नहीं करना, मतलब इससे क्या हम समझौता थोड़ा ना करने वाले हैं इसके साथ, ठीक है, तो समझौते की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो ऑप्शन ही एक हमारा टू लिमिट, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें वकैब वाला सेक्शन आ गया, हमें सिनोनिम बताने वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है। फिफ्थ है हमारा स्टटर। जो वर्ड हमारा स्टटर्ड है हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो बच्चा या जो आदमी अपनी स्पीच के दौरान हकलाता हो, मतलब साफ साफ ना बोल पाता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टटर। हम लोग इसके लिए एक दो वर्ड यूज भी करते हैं जनरली, स्टैमर एक हमारा वर्ड होता है, क्या होता है,
स्टैमर, एक और वर्ड होता है हमारा स्टम्बल, क्या होता है स्टम्बल, तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है स्टटर की तरह, कि जो क्लियरली ना बोल पाए, हकलाए बोलने में, ठीक है। और जो स्टटर हमारा एक वर्ड है, इसके लिए एक फ्रेज यूज होता है हमारा स्पीच इम्पेडिमेंट, क्या होता है स्पीच इम्पेडिमेंट, मतलब काइंड ऑफ फ्रेज की तरह यूज होता है ये, मतलब जो स्पीच के दौरान बाधा आती है, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ठीक है। तो इसके लिए ये फ्रेज भी यूज करते हैं स्टटर के लिए। तो हम इस वर्ड का सिनोनिम बताना है, फर्स्ट वर्ड को देखते हैं कंटिन्यू। अब इसका मतलब हकलाना है, मतलब रुक रुक कर चलना, तो इसका कंटिन्यू सिनोनिम नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड है अलूफ, अलूफ मतलब जो अपने आप में अकेला रहता हो, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं होगा आंसर। थर्ड है सिंपथेटिक, सिंपथेटिक मतलब जिसके पास सिंपथी हो, सिंपथेटिक का मतलब क्या होता है जिसके पास सिंपथी हो, तो स्टटर का और सिंपथी का तो कोई आपस में मेल जोल है ही नहीं ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ है फाल्टर, जो वर्ड है हमारा फाल्टर, इसका मतलब भी होता है कि बीच बीच में रुक रुक कर चलना, ठीक है। तो बिल्कुल सही, हमें एग्जैक्ट सिनोनिम मिल गया, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कोमेंट, हमारा सिक्स्थ वर्ड है, सिक्स्थ क्वेश्चन, कोमेंट। देखो एक ऐसा ही वर्ड हमारा होता है कोमेंस, क्या होता है हमारा वर्ड कोमेंस, कोमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन जो कोमेंड वर्ड है उसका मतलब होता है प्रेज करना किसी की, क्या करना प्रेज, और जनरली हम लोग ऑफिशियली करते हैं ये, कोई लेटर पहुंचा के सामने वाले को कि आपने बहुत अच्छा किया, या उसके सामने करना, कोई बड़ा अधिकारी की आपको सम्मानित किया जाता है ऐसे ऐसे, तो सामने वाला क्या कर रहा है मेरी कमेंट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग जनरली दो तीन वर्ड यूज करते भी हैं, एक वर्ड होता है हमारा एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब भी वही होता है कि सामने वाले की प्रेज करना, एडमायर करना। एक और हमारी वर्ब होती है यूलाइज, क्या होती है यूलोलाइज, हमारी एक वर्ड होती है यूलोजाइज, इसका मतलब भी हमारा यही होता है कि सामने वाले की प्रेज करना, और ये हमारा वर्ड बना था यूलोजी से, ठीक है, यूलोजी मतलब किसी की प्रेज करना, इससे हम लोगों ने वर्ब बना लिए यूलोजाइज। तो ये हमारे इसके सिनोनिम थे। अब इसके वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, हमारे फर्स्ट वाला है इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब वही होता है कोई चीज़ एस्टैब्लिश करना, इंसेप्शन करना उस चीज़ का, ये मतलब उसको फाउंडेशन करना, उसकी फाउंडेशन बनाना, एक आधार बनाना किस चीज़ का, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड है एनस्विंग, जो वर्ड है हमारा एनस्विंग, इसका मतलब होता है किसी को रिजल्ट लेके आना किसी चीज़ का, क्या होता है किसी चीज़ का रिजल्ट लेके आना, या उस चीज़ का मतलब कोई चीज़ कहीं से निकलना, एनस्विंग फ्रॉम हम लोग जनरली यूज करते हैं कि ये चीज़ वहाँ से निकली है, ठीक है। स्टेम एक वर्ड होता है हमारा, स्टेम फ्रॉम, कि इसका जो रूट वर्ड है या जो चीज़ निकली है ये यहाँ से हुई है, स्टेम फ्रॉम दैट, ठीक है। एनस्विंग का मतलब ये तो कोई एक्टिविटी हुई है उसके दौरान कुछ चीज़ का रिजल्ट निकलना, वो एनस्विंग फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल रहे यहाँ पे, ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड है लोड, लोड का मतलब होता है किसी की प्रेज करना, बिल्कुल हमें हमारा सिनोनिम मिल चुका है कि क्या है हमारा वर्ड लोड, थर्ड राइट आंसर रहेगा हमारा। फोर्थ है क्रिएशन, क्रिएशन तो आप लोग जानते ही हो, क्रिएशन मतलब क्रिएट करना किसी चीज़ को, तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ लीथल, अब लीथल क्या, हमें यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना है वर्ड का। जो लीथल वर्ड है उसका मतलब आप लोग जानते ही हो, लीथल का मतलब होता है घातक, ठीक है। हम लोग जनरली इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं फैटल, ठीक है ना, फैटल हमारी डिजीज भी होती है जनरली, डेडली एक वर्ड होता है, बिल्कुल हम लोगों ने अभी सीखा था, डेडली भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जो डेथ को कोज करे, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे लीथल। लीथल हमारी जनरली वेपन के लिए यूज करते हैं ये वर्ड, लीथल वेपन होती है हमारी, लेकिन अगर हम लोगों ने लीथल किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यूज किया है, कोई प्लेयर के लिए यूज किया है, तो ऐसा प्लेयर बिल्कुल हर एक चीज़ को एक्यूरेट करता हो, मान लो कोई गोलकीपर को मैं कहता कि ये लीथल गोलकीपर है, तो वो क्या है किसी भी बॉल को अपने से साइड से नहीं जाने देता, मतलब उसको वहीं पे पकड़ लेता है, इतनी स्किल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो बस वही है कि इसका यूसेज डिपेंड करता है किसके साथ यूज हुआ है, ठीक है। तो हमें इसका अपोजिट बताना है, देखते हैं वर्ड्स को। फर्स्ट वाला वर्ड हमारा एवरीसियस, एवरीसियस का मतलब होता है कि लालची होना, क्या होना लालची होना, ग्रीडी होना, और जनरली हम लोग वेल्थ के लिए होते हैं ये, ठीक है ना, या कोई मटेरियल गेन करने के लिए, मटेरियल का मतलब होता है कोई जो हमें चाहिए होती है वस्तु, ठीक है, उसकी ग्रीड करना, उसका लालच रखना, वो होता है एवरीसियस।
तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड है फ्रूटफुल। जो वर्ड है फ्रूटफुल, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़, मतलब जो आपको रिजल्ट दे, क्या दे, रिजल्ट दे। फ्रूट वर्ड जब हमारा एक नाउन होता है, इसका मतलब एक तो फल होता है और एक मतलब होता है इसका रिजल्ट, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन हमारा फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कि जो चीज़ इकोनॉमिकली हो या बिल्कुल देखभाल करके वो खर्च करता हो कोई बंदा, वो बंदा कैसा हो जाएगा, फ्रूगल हो जाएगा। क्या हो जाए, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हो जाएगा। एंड फोर्थ हमारा लेविस। लेविस हम लोग जनरली रिच लोगों के लिए यूज करते हैं ये वर्ड, तो लेविस और फ्रूगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, हमारे एंटोनिम हो सकते हैं। क्योंकि लेविस के अंदर मतलब वो ज़्यादा खर्च करता है और फ्रूगल के अंदर वो चीज़ मतलब किफ़ायती है, मतलब देखभाल करके खर्च करता है कि यार ये चीज़ कहीं और काम आ जाए, इस सेंस में। तो देखा जाए तो देखो हमें आंसर नहीं मिला अभी तक। हम लोगों ने चारों वर्ड्स का क्या निकाल लिया, एक क्या निकाल लिया, मीनिंग निकाल लिया, लेकिन आंसर हमें अभी तक नहीं मिला। तो देखो अब हमें सेंस पे जाना पड़ेगा। लीथल का होता है कि जो चीज़ कोज करे, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव सेंस में। लेकिन हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है यहाँ पे। एवरी चीज भी ग्रीड है, नेगेटिव है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फ्रूगल और लेविस, लेविस भी हमारा नेगेटिव काइंड ऑफ, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बात आती फ्रूटफुल की। फ्रूटफुल जो रिजल्ट लेके आए, मतलब सभी के लिए क्या हो, वो बढ़िया हो, वो होती चीज़ फ्रूटफुल। तो एक ही चीज़ हमारा आंसर हो सकता है सेकेंड वाला, क्योंकि लीथल का मतलब जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए और फ्रूटफुल का मतलब जो दूसरों के लिए फ़ायदा लेके आए, ठीक है ना। तो हमको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं कि डायरेक्ट आपको उसका एंटोनिम ना मिले, लेकिन हमें सेंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही हमारा एप्रोप्रिएट आंसर बनता है, कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एट हमारा क्वेश्चन है कंटेजियस। कंटेजियस हम लोग जनरली डिजीज के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो कंटेजियस मतलब जो फैलता हो ज़्यादा, इन्फेक्शियस हमारा एक वर्ड होता है इन्फेक्शियस, तो हम लोग इसके लिए यूज कर लेते हैं इन्फेक्शियस, मतलब जो इन्फेक्शन के दौरान फैलता, ठीक है। और जो कंटेजियस हमारे जनरली फीलिंग के लिए भी यूज करते हैं, फीलिंग के लिए मतलब अब मान लो मैं कुछ फील कर रहा हूँ तो मेरे को देखकर सामने वाला भी वही चीज़ फील करने लग जाए, तो वो फीलिंग कैसी हो जाएगी, कंटेजियस फीलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इसका एंटोनिम बताना है, देखते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है यूबिक्यूटस, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हर एक जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हमारा एक वर्ड होता है, वो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वर्ड, ओमनी प्रेजेंट, या हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। सेकंड है नॉन इन्फेक्शियस। देखो अब बिल्कुल वर्ड के अंदर ही कह रहा है जो इन्फेक्शियस नहीं है, और ये वर्ड जो इन्फेक्शियस है, तो बिल्कुल सही, ठीक है, हमें एंटोनिम मिल चुका हमारा, लेकिन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। थर्ड वाला वर्ड हमारा इनविशेज। इनविशेज का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सपेक्ट करना, क्या करना, एक्सपेक्ट करना या उसका अनुमान लगाना कि शायद ये चीज़ हो, काइंड ऑफ फोरटेल एक वर्ड होता है ना हमारा, फोरटेल मतलब आगे के बारे में बताना। तो ये वर्ड इस चीज़ की सेंस दे सकता है कि आगे के बारे में हम लोग कुछ बताते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ वर्ड हमारा कंटेजियन, इसका मतलब भी एक डिजीज़ होता है, क्या होता है, ऐसा डिजीज़ जो कम्युनिकेशन के दौरान फैलता है। कम्युनिकेशन अब किसी भी तरीके की हो सकती है, हाथ मिला के फैल सकता है या और बहुत सारे तरीके होते हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान क्या फैलता है, ऐसा डिजीज़ क्या कहलाएगा, कंटेजियस डिजीज कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो एंटोनियम ढूंढना था इसका, तो सेकंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ, हमें ईडियम करने अभी, नाइन्थ टू टेन। अब ईडियम हमारा नाइन्थ है इन ब्लैक एंड वाइट। देखो जो हमारा वर्ड है इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है कि हम लोग सामने वाले को कुछ लिख कर देना, ब्लैक एंड वाइट होता है ना हमारा, मतलब वाइट तो पेपर होता है और ब्लैक हम लोग इंक यूज़ करते हैं उसके ऊपर, तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब कुछ लिख कर देना। तो कलर ब्लाइंड हमारा आंसर नहीं हो सकता। एप्रिशिएट फाइनर थिंग्स, किसी को अप्रिशिएट भी हमें नहीं करना है। इन राइटिंग और प्रिंट, किसी को लिख कर देना या प्रिंट करके देना, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, कोई क्लियर चॉइस की हम लोग बात नहीं कर रहे। तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। टेंथ है हमारा आउट ऑफ डेट। ये तो देखो सभी को पता होगा कि आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है। जनरली हम लोग कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर डेट देखते हैं कि यार ये तो आउट ऑफ डेट है, मतलब इसका क्या है, डेट से मतलब बहुत ऊपर तक जा चुकी है, ये पुराना हो चुका है, ठीक है। तो वेरी बिजी नहीं है, नोट स्टिक द स्केड्यूल, किस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है, कि इसको 5 बजे सामने आना था, अरे नहीं, आउट ऑफ डेट का मतलब होता है कि वो वैलिड नहीं है, क्या नहीं है, वैलिड नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारा फोर्थ राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल ईजी से हमारी ईडियम थी आज। नेक्स्ट देखते हैं इलेवंथ, हमें इम्प्रूव करना है ब्रैकेटेड पार्ट को, पढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सुजेस्ट दैट कोझिकोड आउटब्रेक इज आल्सो डिस्प्लेइंग ए स्टटरिंग
चेन ऑफ ट्रांसमिशन। देखो हमारा जो स्टटर हम लोगों ने वर्ड किया था उसका मतलब क्या होता, जो रुक रुक कर चले, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिनोनिम के अंदर किया था, तो मीनिंग देखते हैं इसका। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं, जो मतलब पहली बार किसी ने कुछ टेस्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सुजेस्ट करती हैं, देखो सुजेस्ट हमारा प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, दैट जो कोझिकोड है, कोझिकोड आउटब्रेक, हम लोगों ने देखो यहाँ पे एक नाउन सीखा था आउटब्रेक, क्या सीखा था आउटब्रेक, तो हमें उस कोझिकोड में जो आउटब्रेक हुआ है या जो आउटब्रेक हुआ है, आउटब्रेक तो कोई वर्ड होता नहीं हमारा, क्योंकि एक्चुअल में जो वर्ड होता है वो आउटब्रेक होता है ना, ठीक है। तो जो आउटब्रेक है या आउटब्रेकिंग है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल में जो वर्ब है हमारी वो ब्रेकआउट है। इसके साथ हम लोग चेंज कर सकते हैं कि ब्रोक आउट हो सकता है, ब्रेकिंग आउट हो सकता है, लेकिन जो इससे नाउन बना है उसके साथ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन ही हमारे पास दो बचते हैं, कौन से, फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब हमें पता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, तो आप लोग पता लग गया होगा आप लोगों को आंसर क्या होने वाला है, द आउटब्रेक इज। तो जो आउटब्रेक है वो आल्सो डिस्प्लेइंग की वो दिखा रहा है ए स्टटरिंग चेन ऑफ ट्रांसमिशन की, वो रुक रुक कर बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा कहीं पे, ठीक है। तो थर्ड हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शंस हैव हिस्टोरिकली अकर्ड अमंग क्लोज कॉन्टैक्ट्स एंड केयर गिवर्स सच एज नर्सेज। देखो केयर गिवर्स का मतलब होता है जो हमें केयर देते हैं, सच एज मतलब नर्सेज एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन मतलब अब एक अलग से वेव आई है इन्फेक्शन की, मतलब एक अलग तरीका ही सामने आया है किस चीज़ का, इन्फेक्शन का। हैव हिस्टोरिकली अकर्ड, हैव हिस्टोरिकली मतलब अब हिस्टोरिकली में वो चीज़ पहले नहीं हुई थी, अब हुई है। अमंग क्लोज कॉन्टैक्ट्स, अमंग मतलब उनके बीच में, क्लोज कॉन्टैक्ट्स के बीच में, केयर गिवर्स जो मतलब हमारे किसी बंदे को अगर डिजीज है तो उसके पास अगर कोई बंदा है, कोई उसकी सेवा कर रहा है, उसको दवाई दे रहा है, तो ये डिजीज उसको भी हो सकता है, ऐसी वेव सामने आई है, ठीक है। केयर गिवर मतलब नर्सिस। तो देखिए एक बात सीखने की यहाँ पे ये है, जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे ये इन्फेक्शंस नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है नेक्स्ट वेव। और हम लोगों ने ये भी सीखा है कि जो हमारी वर्ब आती है वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो हैव तो यहाँ पे यूज होगा ही होगा नहीं, ठीक है। एक बात और, जो यहाँ पे वर्ड आया है हिस्टोरिकली, ये हमारा क्या है, एक एडवर्ब है, मतलब हमें किसी वर्ब को भी क्वालिफाई करना है, और वर्ब कौन सी है, वो अकर्ड है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएं तो एक ही ऑप्शन हमें मिलता है, कौन सा, देखो जो वर्ड है इसके अंदर हिस्टोरिक हमारे एक एडजेक्टिव होता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। हैव इसके अंदर है वैसे ही, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, हैव है इसके अंदर, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ही एक है, हैज हिस्टोरिकली अकर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, मीनिंग बताना है वर्ड्स का, देखते हैं। 13, ए प्रोग्राम ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सरसाइज और स्पेशल फूड फॉर इम्प्रूविंग योर हेल्थ एंड अपीयरेंस, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया गया है, एक्सरसाइज के लिए, या कोई आप लोगों को कैसा फूड खाना चाहिए आपकी हेल्थ के लिए और आपकी अपीयरेंस के लिए, ऐसे प्रोग्राम को क्या कहेंगे, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग वर्ड्स को। तो फर्स्ट वाला वर्ड हमारा रेजिमेन, उसका मतलब होता है कि एक सिस्टम होना गवर्नमेंट का, एक मतलब तो होता है कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो सिस्टम किसी भी चीज़ का हो सकता है हमारा। और एक मीनिंग होता है कि ऐसा प्रोग्राम जो लोगों को सिखाए कि ये चीज़ें आपको ऐसे करनी है, वो भी हमारा एक प्रोग्राम होता है। तो आंसर हमारा फर्स्ट ही है इसका, कि एक ऐसा प्रोग्राम जो सबको बताए कि आप लोगों को ये चीज़ें करनी है अगर आप ऐसा करना चाहते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है डीफनेस, एक्चुअल में जो हमारा वर्ड होता है डीफ, डीफ मतलब जो बहरा हो, और डीफनेस मतलब बहरापन, ठीक है, ये हमारा नाउन हो जाएगा, और डीफ हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और थर्ड हमारा एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी हमारा होता है एक ब्रेन में डिजीज, ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको ब्रेन की फंक्शनिंग में रुकावट करे वो होता है ऐसा डिजीज, जो मतलब ये क्या नाम लिखा इसका, एनसेफेलोपैथी, ठीक है, ये हमारा ब्रेन का डिजीज होता है जो ब्रेन की फंक्शनिंग में क्या करता है, हिंड्रेंस करता है। फोर्थ हमारा रेडियो एक्टिव तो आप लोग जानते हो, जो आयनाइज करता है हमारी रेडियो वेव्स को, क्या करता है आयनाइज, तो आयनाइज का मतलब जो पहुंचाता है दूसरे तक, ठीक है, रेडियो एक्टिव हमारी रेज होती हैं। तो ऑप्शन ये एक हमारा कौन सा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, टू मेक समवन कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर दे आर और व्हाट डायरेक्शन दे आर मूविंग इन,
इसका मतलब है कि टू मेक समवन कन्फ्यूज, किसी को कन्फ्यूज करना अबाउट वेयर दे आर, कि वो कहाँ पर हैं और वट डायरेक्शन दे आर मूविंग, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी को कन्फ्यूज करना वो क्या कहलाएगा, वो देखते हैं वर्ड। जो फर्स्ट वाला वर्ड हमारा है जो गैमेट, गैमेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की रेंज होना, क्या होना कि यार तुम्हारी रेंज कहाँ तक है, तुम्हारा गैमेट कहाँ तक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड है डिसओरिएंटेशन, जो वर्ड हमारा ओरिएंटेशन मतलब किसी के चारों ओर, डिस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब उसको पता नहीं, वो कन्फ्यूज है कि कहाँ जाना है उसे, ठीक है, तो इसका मतलब यही है हमारा आंसर कि डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वो कन्फ्यूज है कि किस डायरेक्शन में जाना है और वो कहाँ है, उसको पता नहीं वो, ठीक है। तो थर्ड वर्ड हमारा डिसिपेट, इसका मतलब होता है डिसअपियर होना, क्या होना डिसअपियर होना, और जनरली हम लोग यूज करते हैं फीलिंग्स के लिए। मान लो कोई बच्चा रो रहा था, ठीक है, अब उसको किसी ने टॉफी दे दी, तो अब जो रो रहा था वो इमोशन एकदम से क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आएगी कि मानो पता ही नहीं हो कि रोया भी था वो, ठीक है। तो डिसिपेट हमारे इमोशंस या फीलिंग के लिए यूज करते हैं, डिसअपियर होना वो। और वर्ड हमारा डिमीनर, जो हमारा डिमीनर वर्ड है, इसका मतलब तो आपको पता ही हो, जो हमारा मैनर होता है या जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमारा होता है डिमीनर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इजी वर्ड था हमारा, तो आंसर क्या हमारा सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 15th के अंदर देखते हैं, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जो वर्ड हमारा करेक्ट स्पेलिंग बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको एक ही वर्ड गिवन है, और जो हमारा वर्ड होता है वो होता है अनराइवल, क्या होता है अनराइवल, लेकिन अगर जब ये वर्ब बनता है तो हम लोग डबल एल ई डी लगाते हैं इसके पीछे, क्या लगाते हैं डबल एल ई डी, तो एक ही ऑप्शन हमारा कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 16th है। देखो हम लोगों ने पिछले शायद हमारा जो वर्ड था अनराइवल्ड, उसका मीनिंग शायद हमें बता नहीं पाया, लेकिन अनराइवल्ड का मतलब होता है कि जो अन, देखो यहाँ पे वर्ड आया है राइवल, क्या वर्ड आया है इसके अंदर राइवल, राइवल मतलब जो दुश्मन है हमारा, अनराइवल मतलब अब कोई दुश्मन नहीं है, मतलब अब हम लोग किस पोजिशन में है, सुप्रीम पोजिशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ को हम कंपेयर ना कर सकें जो सबसे बढ़िया है, वो क्या हो जाएगी अनराइवल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब 16 देखते हैं हम लोग, जो फर्स्ट वाला वर्ड हमारा प्रीवेंटेबल, वेंटेबल, अब इसके अंदर हम क्या है, यहाँ पे होना चाहिए था वेंटेबल, ठीक है, ए बी एल ई होना चाहिए था, इनकरेक्ट स्पेलिंग हमारी। जो सेकंड है रेप्लिकेशन, अब रेप्लिकेशन, ठीक है, हमारा जो वर्ड होता है रेप्लिका होता है एक्चुअल में, ठीक है, क्या होता है रेप्लिका, रेप्लिका मतलब किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी, हमारे डीएनए के अंदर जनरली रेप्लिकेशन होता है, तो इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ई, ई के जगह आएगा आई, ठीक है, रेप्लिकेशन हमारा वर्ड होता है। और जो थर्ड वर्ड है प्रिविलेज, प्रिविलेज की स्पेलिंग भी गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है पी आर आई वी आई एल ई जी ई, ठीक है, प्रिविलेज का मतलब होता है जो हमारे राइट्स होते हैं हमारे, या जो हमारी बेनिफिट्स होते हैं जो हमको मिलने चाहिए, ठीक है, वो प्रिविलेज होते हैं हमारे, तो ये भी आंसर नहीं है। फोर्थ है प्रिवेंटेबल, बिल्कुल ठीक है, इसको सही करके लिखा गया यहाँ पे, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, अब हमें पैर एग्जाम्पल गिवन है, मतलब हम पी क्यू आर एस करने हैं, ठीक है, अरेंज करना सेंटेंसेस को, पढ़ते हैं। द डेथ ऑफ ए नर्स सोच, मतलब एक नर्स की डेथ दिखाती है, क्या दिखाती है देखते हैं, टेकिंग एडिक्यूएट प्रिकॉशंस व्हेन डीलिंग विद पेशेंट्स बाय यूजिंग मास्क एंड फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट हैंड वॉश रेजिमेन। देखो रेजिमेन मतलब हम लोगों ने किया था अभी, आपको पता है ना रेजिमेन का मतलब क्या है, मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे, ठीक है, आपको पता लगाना है इसका, ठीक है, जेड वाला है, दैट हेल्थ केयर वर्कर्स मे नॉट बी, देखते हैं इसके अंदर। अब एक चीज़ सीखने की वाली ये है, यहाँ पे प्रिकॉशंस वर्ड आया है, और यहाँ पे प्रिकॉशंस को बताया गया कि प्रिकॉशंस कौन सी हैं, कि आपको मास्क यूज करना है, स्ट्रिक हैंड वॉश करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स वाला पार्ट है वो वाई से पहले आएगा, इतना तो हमें पक्का पता लग गया ना, ठीक है, क्योंकि जो प्रिकॉशंस है वो बताई गई यहाँ, क्योंकि ये वाली प्रिकॉशंस लेनी आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो वर्ड है द डेथ ऑफ ए नर्स सोज, अब देखो जिसने भी थोड़ी बहुत रीडिंग कर रखी है इसके बाद पता लगा कि सो दैट, कि वो चीज़ ये दिखाती है कि, अब यहाँ पे जो दैट है ये, ठीक है, अब हमें ये भी पता लग गया था कि जो वाई है वो क्या है एक्स के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं टेकिंग को फर्स्ट लेता हूँ मेरे वाला, कि द डेथ ऑफ ए नर्स सोज टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशंस, मतलब जो डेथ है वो दिखाती है कि प्रिकॉशंस लेनी है, अरे नहीं, बल्कि उस डेथ की वजह से हमको प्रिकॉशंस लेनी पड़ी, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, तो एक्स हमारा स्टार्टिंग नहीं बन सकता,
और वाई वैसे नहीं बनने वाला, तो जेड ही हमारा क्या बनेगा, स्टार्टिंग बनेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। द डेथ ऑफ ए नर्स शोज दैट हेल्थ केयर वर्कर्स मे नॉट बी, ये दिखाती है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है मे नॉट बी, अब वाई आ नहीं सकता क्योंकि जेड के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, मे नॉट बी टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशंस, कि शायद वो क्या है एडिक्वेट प्रिकॉशंस नहीं ले रही हैं व्हेन डीलिंग विद पेशेंट, कि जब वो डील कर रहे हैं पेशेंट से। ठीक है, अब वो उनको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, बाय यूजिंग मास्क, कि वो प्रिकॉशंस कौन सी हैं, कि वो मास्क का यूज़ नहीं कर रही हैं और स्टिक हैंड वॉश नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ईजी सा हमारा क्या था, एग्जाम्पल था, एक ही ऑप्शन है, जेड हमारा था, जेड के बाद एक्स था, फिर वाई था। ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारा, बिल्कुल सेकेंड राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा हमारा सेंटेंसेस थे। 18 पढ़ते हैं। द बेस्ट डिफेंसिस अगेंस्ट इट हैव नॉट मास्टर्ड एज येट, विच इंडियन हॉस्पिटल्स आर द एज ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। अब देखो हमें सीखने की जरूरत एक तो ये है कि जो बेस्ट डिफेंसिस वर्ड यूज हुआ है ये प्लूरल हमारा क्या है, प्लूरल है, और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। ठीक है, इसके अंदर वर्ब नहीं है तो ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होने वाला, फर्स्ट हमारा सेंटेंसेस नहीं बनने वाला, हैव है और आर है। अगर हम लोग एक्स इसके साथ लेते हैं तो मतलब हो जाएगा द बेस्ट डिफेंसिस अगेंस्ट इट हैव नॉट मास्टर्ड, कि वो उन्होंने मास्टर नहीं किया है। डिफेंसिस मास्टर करने वाले हैं या उनको यूज किया जाना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे हैव नॉट मास्टर वर्ड तो अपने आप नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बंदा होता तो ले लेते कि शायद वो मास्टर अभी नहीं हुआ है उस पर, तो डिफेंसिस मास्टर नहीं होने वाले जी, तो इसलिए एक्स वर्ड, एक्स वाला हमारा यूज नहीं हो सकता और ना ही वाई वाला। तो इससे पता लगता है कि जेड से हमारी स्टार्टिंग होनी है। पढ़ते हैं। द बेस्ट डिफेंसिस अगेंस्ट इट आर द एज ओल्ड प्रिंसिपल, कि वो क्या है एज ओल्ड प्रिंसिपल, हमारे बहुत जमाने से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, किसके हैं वो, इन्फेक्शन कंट्रोल के हैं। अब देखो विच इंडियन हॉस्पिटल हैव नॉट मास्टर, अब ये हैव है ये भी सब्जेक्ट लेगा ना अपना, और सब्जेक्ट भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आर के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, मतलब कहने का कि वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो इस सेंटेंस के अंदर कहीं भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, इसको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन देगा, वाई हमारा जो क्या है पार्ट, वो इसको सब्जेक्ट देगा, और इसके अंदर सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंडियन हॉस्पिटल्स, उन्होंने इस चीज़ को मास्टर नहीं किया है, किस चीज़ को, जो एज ओल्ड प्रिंसिपल्स है। बिल्कुल सही है, हमें हमारी क्या मिल गई, लाइनअप मिल चुकी है कि जेड के बाद क्या यूज होगा, जेड के बाद वाई यूज होगा और वाई के बाद एक्स यूज होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था कि हमें वर्ब्स का गेम पकड़ना था कि जो वर्ब यूज हुई है उसका सब्जेक्ट एक्चुअली है कहाँ पर है। ठीक है, वैसे हम लोग मीनिंग से भी निकाल सकते थे इसका मतलब, लेकिन बिल्कुल इजी सा था, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जेड वाई एक्स थर्ड राइट आंसर रहेगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19th करना हमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। ठीक है, 19th है। द क्रिटिक रोट ए स्कैथिंग रिव्यू, स्कैथिंग मतलब बिल्कुल, मतलब सामने को किसी को बदनामी करने वाला रिव्यू। ठीक है, तो अब क्रिटिक रोट ए स्कैथिंग रिव्यू, जो हमारे वर्ब है रोट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है कि एक स्कैथिंग रिव्यू उसने रोट किया है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को पैसिव में कैसे लिखते हैं हम लोग, वोज प्लस में, या वोज या वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखते हैं किसके अंदर आया है। वोज राइटिंग हमारा नहीं हो सकता, वोज रिटन हो सकता है, रिटन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ही हमारा कौन से बचे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। अब जो हमारा जो सब्जेक्ट बनने वाला है वो क्या था, ए स्केथिंग रिव्यू, तो द क्रिटिक हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए थर्ड वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट ही हमारा क्या है राइट आंसर, कि ए स्केथिंग रिव्यू वाज रिटन बाय द क्रिटिक, कि ऐसा रिव्यू लिखा गया किसके द्वारा, क्रिटिक के द्वारा, क्रिटिक मतलब जो आलोचना करते हैं लोगों की। ठीक है, तो फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नरेशन का पार्ट है ये। ही सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड, ही सेज टू मी ही वर्क्स हार्ड। देखो एक चीज़ सीखने वाली यहाँ पे है कि जो भी हम लोग चेंज करते हैं नरेशन के अंदर, वो डिपेंड करता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस कौन सा है। अगर उसका टेंस हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो हम लोग टेंस के अंदर चेंज नहीं करेंगे, वो चाहे कौन सा भी टेंस हो उसके अंदर। ठीक है, प्रोनाउन का चेंज तो करेंगे हम लोग, लेकिन टेंस में चेंज नहीं होगा। तो टेंस का चेंज इसमें भी है, टोल्ड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वर्कड नहीं होगा, हैज वर्कड नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ही एक बचा जी, कौन सा, फोर्थ वाला। ठीक है,
ये वाले ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अगर हमें ये पता है कि टेंस का चेंज जो इसी के अकॉर्डिंग होता है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर रहेगा, ही टेल्स मी दैट ही वर्क्स हार्ड, कि उसने मुझे बताया कि वो अच्छी मेहनत करता है। ठीक है, कड़ी मेहनत करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें अब हमें क्या करना है, क्लोज टेस्ट को करना है। अब क्लोज टेस्ट को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले इसको एक बार गो थ्रू हो जाओ जल्दी से। ठीक है, क्योंकि इसका आपको थीम समझ में आ जाना चाहिए कि किस टाइप का ये पैसेज है, किस टाइप का क्लोज टेस्ट हमें मिला है। ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं एक बार। आफ्टर सेवरल मास शूटिंग, एनआरआई एक हमारी क्या एसोसिएशन होती है, नेशनल नेशनल राइफल एसोसिएशन। ठीक है, जिसके अंदर राइफल वगैरह जो बंदूक वगैरह होती है ना, इसका वो डिसाइड करती है किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आफ्टर सेवरल मास शूटिंग, मतलब मास शूटिंग का मतलब उसके अंदर गैंग है जो कोई मतलब गुंडे हैं वो गोलियां चला रहे हैं, इस टाइप की हमारी जो एक्शन होते हैं वो होते हैं मास शूटिंग। बहुत सारे मास शूटिंग के बाद एनआरआई स्पोक्स पर्सन हैव क्लेम्ड दैट द ओनली आंसर टू डैश डेथ इज मोर गन्स, कि उन्होंने क्लेम किया है कि जो सिर्फ एक ही आंसर है इसका कि वो ऐसे डेथ को, आंसर टू डैश डेथ इज मोर गन्स, कि गन्स का आंसर गन्स ही है। कहते हैं ना, अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो उसका आंसर सामने वाले को ही थप्पड़ मार दो। ठीक है, कहने का मतलब इसका यही है, इन प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रंप दे मे हैव फाउंड देयर स्ट्रोंगेस्ट एलाई येट, कि मतलब शायद उनको प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अपना स्ट्रोंगेस्ट एलाई मिल चुका था अब तक का। ठीक है, ऑल्दो ही डिस्क्राइब द लॉस वेगास शूटिंग एज एन एक्ट ऑफ प्योर एविल, कि जो लॉस वेगास में शूटिंग हुई है वो अपने आप में एक प्योर एविल का एक्ट है। बिल्कुल ठीक है, ड्यूरिंग द 2016 डैश ही हैड पेंडेड टू द गन लोबीज इंटरेस्ट, कि जो कैम जो हमारा 2016 में पता नहीं क्या हुआ था उसके अकॉर्डिंग पेंडर का मतलब किसी चीज़ को सेटिस्फाई करना। ठीक है, किसी की आकांक्षाओं को डिजायर्स को फुलफिल करना, तो शायद उसने फुलफिल की थी टू द गन लोबीज इंटरेस्ट। जो हमारा वर्ड आया गन लोबी, इसका मतलब होता है एक ऐसा, कहते हैं ना मिडल मैन हमारा एक वर्ड होता है, बिचौलिया वर्ड होता है ना, तो गन लॉबी का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो किसी की मतलब रिक्वायरमेंट्स को अनक्रेज करेगा। मान लो कई लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो हमारा एक ऐसा ग्रुप बनेगा जो उन लोगों की बातें सुनेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए अभी लो, और वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा देंगे। ठीक है, गन लॉबी इस सेंस में। अब वो लॉबी जो वर्ड है उसका मतलब ग्रुप है, और ग्रुप किस लिए बना, वो गन लोबी, गन मतलब गन के बारे में शायद कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह हैं या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बंद होनी चाहिए या शुरू होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों के बारे में बात की है इस लोबी ने। ठीक है, तो शायद इस गन लोबी के इंटरेस्ट को इसने पेंडर किया है, सेटिस्फाई किया है, फुलफिल किया है। तो बस इतना ही पढ़ने से हमें पता लग गया कि यहाँ पे गन की बात की गई है, शायद कहीं पे शूटिंग हुई है, कई लोग मारे गए हैं, उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, हमें थोड़ा बहुत थीम समझ में आ चुका है, अब क्वेश्चंस को करते हैं। पढ़ते हैं, आफ्टर सेवरल मास शूटिंग्स एनआरआई स्पोक्स पर्सन हैव क्लेम्ड, स्पोक्स पर्सन मतलब जो किसी के ऑफिशियली कहते हैं ना हमारी तरफ से ये बंदा जाएगा ऑफिशियली, तो स्पोक्स पर्सन मतलब जो किसी की तरफ से बोलने वाला होता है। ठीक है, तो एनआरआई स्पोक्स पर्सन हैव क्लेम्ड, तो एनआरआई की तरफ से स्पोक्स पर्सन आए थे, उन्होंने क्लेम किया है दैट द ओनली आंसर, कि सिर्फ आंसर यही है टू डैश डेथ इज मोर गन्स। देखते हैं हम लोग, टू साइन डेथ, साइन मतलब जो सीन बता रही है इशारा कर रही है, नहीं भाई, गन डेथ मतलब जो डेथ गन से हुई है हो सकता है, क्राइम डेथ जो चीज़ें क्राइम से हुई है। अब देखो इसके अंदर सारी सभी जगह बता रहा है गन कंट्रोल, यहाँ पे शूटिंग हुई है तो क्राइम की तो बात है ही, लेकिन एक स्पेसिफिकली किसकी डेथ की बात कर रहा है ये, ऊपर उसने वर्ड भी यूज़ किया है मास शूटिंग, शूटिंग मतलब गन से क्या हुई है, डेथ हुई है, किलिंग हुई है। ठीक है, तो क्राइम इसके अंदर इसलिए नहीं आ सकता। ठीक है, डेथ तो वैसे ही हुई है, डेथ डेथ तो दोनों साथ में नहीं आएंगे, ऑप्शन ही एक हमारे पास कौन सा, गन डेथ। तो द ओनली आंसर टू गन डेथ, तो इस गन डेथ के लिए आंसर हमारा क्या है, इज मोर गन्स, कि सामने वालों को भी उड़ा दो। ठीक है, इज मोर गन्स मतलब उनके लिए बंदूक, बंदूक का आंसर बंदूक से ही देंगे। इन प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दे मे हैव फाउंड, इसको बड़ा कर लेते हैं, दे मे हैव फाउंड देयर स्ट्रोंगेस्ट एलाई येट। अब देखो कई बच्चों को ये दिक्कत आ गई होगी, सर ये इन यूज हुआ है, आगे डोनाल्ड ट्रंप आया है और यहाँ पे मे हैव फाउंड और आगे येट आया है। देखो इसका मतलब है कि वो जो स्ट्रोंगेस्ट एलाई है वो किसके अंदर शायद उनको मिला है, इसके अंदर, इस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर उसमें मिला है, और दे मे हैव, अब दे मतलब स्पोक्स पर्सन, ठीक है, दे मे हैव फाउंड देयर स्ट्रोंगेस्ट एलाई येट, शायद ये आज तक का उनका सबसे स्ट्रोंगेस्ट एलाई है।
ठीक है, पीछे से लेकर आज तक का. ऑल्दो ही डिस्क्राइब द लॉस वेगास शूटिंग हुई, मतलब उसने ट्रंप ने डिस्क्राइब किया लॉस वेगास की शूटिंग को एज एन एक्ट ऑफ प्योर एविल, कि ये बिल्कुल क्या है, बदनामी वाला एक्ट है, कि एक राक्षस ही ऐसा कर सकते हैं. ड्यूरिंग द 2016 डैश ही हैड पेंटेड, पता नहीं 2016 में क्या हुआ था, देखते हैं. डिबेट हुई थी. अब देखो डिबेट हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि वो डिबेट हुई थी, क्योंकि हम लोग ना ही बता सकते वो कैंपेन हुआ था, ना ही बता सकते क्रूसेड या पुश. देखो पुश तो होता किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ाना, तो 2016 में कोई पुश हुआ था इसका तो कोई जिक्र है ही नहीं. वो डिबेट भी हो सकती है, कैंपेन भी, क्रूसेड भी. क्रूसेड एक एक्सट्रीम सेंस होती है हमारी, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार यहीं पे ब्लैंक छोड़ते हैं, हमें नहीं पता अभी तक वो कैंपेन था डिबेट थी क्या थी. ही हैड पेंडर्ड टू द गन लॉबीज इंटरेस्ट. अब देखो जो वर्ड आया है पेंडर्ड, पेंडर्ड का मतलब होता है फुलफिल करना. क्या करना होता है? फुलफिल या सेटिस्फाई. तो डिबेट में तो हम लोग किसी की सेटिस्फैक्शन नहीं करेंगे ना. मान लो मेरे से कोई डिबेट कर रहा है तो मैं सेटिस्फाई नहीं करूंगा किसी को, मैं तो बल्कि क्या करूंगा, डिबेट करूंगा, सामने वाले को तर्क वितर्क करूंगा. तो डिबेट में पेंडर नहीं करते जी, ठीक है. बात बचती क्रूसेड या कैंपेन. जो वर्ड है क्रूसेड उसका होता मतलब विग्रस कैंपेन, जो पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह रिलीजियस इश्यूज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो कैंपेन होता है उसको बोलते हैं क्रूसेड. लेकिन ये जनरल सा कैंपेन था, किसके लिए? गन के लिए कैंपेन था, ठीक है. ये तो बिल्कुल अपने आप में एक्सट्रीम सेंस होती है, ठीक है ना. तो ये हमें यूज नहीं करना. वैसे कैंपेन ये भी होता है, लेकिन सिंपल हमारा कैंपेन है गन कैंपेन वाला, ठीक है. तो इसलिए सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा. ड्यूरिंग द 2016 कैंपेन ही हैड पेंडेड टू द गन लॉबीज इंटरेस्ट, कि उसने सेटिस्फाई की थी गन लॉबीज का जो इंटरेस्ट था ऑन ओकेजन, बहुत कई बार, ठीक है, ओकेजन्स पर बहुत बार इसने सेटिस्फाई की है, फुलफिल की उनकी डिजायर्स, पार्टिकुलरली थ्रू फियर डैश. देखो यहाँ पे एक फ्रेज यूज होता है, अगर किसने थोड़ी बहुत रीडिंग कर रखी है शायद वो इसका आंसर दे पाया हुआ आराम से, ठीक है. देखते हैं हम लोग उसने कब इसको सेटिस्फाई किया है, पेंडर किया है. फियर मोटिवेशन. अब फियर नेगेटिव है और मोटिवेशन पॉजिटिव, दोनों वर्ड नहीं आ सकते जी, ठीक है. फियर फाइल्स, फियर फाइल्स कोई वर्ड होता नहीं हमारा, मतलब फियर फाइल्स, फाइल्स मतलब जो हमारी किताबें होती हैं, फियर मतलब डराने वाली, नहीं जी. फियर्स ऑफ डेथ क्या है, यहाँ पे था हमारा फियर ऑफ डेथ, अरे नहीं, मतलब जान का, जान का जो कहते हैं ना जान जाने वाली उसका डर है इसलिए उसने सेटिस्फाई की है, अरे नहीं, एक्चुअल में हमारा जो आंसर होने वाला फियर मॉन्गरिंग, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारा है. जो फियर मॉन्गरिंग का मतलब होता है कि जो कहते हैं ना डर पैदा हुआ है, मतलब डर फैला हुआ कि सभी लोगों के बीच में, जैसे एक बार हुआ था कि ये कोई दो इकट्ठे ना होना गोली चल सकती है, तो सारे गांव में डर पैदा हो गया. तो उस टाइम पर उसने वो चीज़ें सेटिस्फाई की थी लोगों को कि ठीक है आप लोग ऐसा कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, आप लोगों को राहत मिलती है, ठीक है. तो उस टाइम थ्रो फियर मॉन्गरिंग, कि जब डर पैदा था लोगों के मन में तो उस टाइम इसने सेटिस्फाई की थी उसकी डिजायर्स को, ठीक है. आगे है थ्रू फियर मॉन्गरिंग दैट इफ द डेमोक्रेटिक एजेंडा सक्सीड, कि अगर डेमोक्रेटिक एजेंडा सक्सीड होता है तो उस टाइम पे इसने क्या किया था, कि ये जो फियर मॉन्गरिंग का जो माहौल बना हुआ था उस टाइम पे इसने पेंडर की थी इसके गन लॉबीज को जो इंटरेस्ट थे हमारे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अगर डेमोक्रेटिक एजेंडा सक्सीड हो जाता है तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छा रहेगी, कि डेमोक्रेटिक चाहते हैं कि लोगों को, मतलब सभी को गन नहीं मिलनी चाहिए, कहने का मतलब इसका ये, ठीक है. प्रेटी सून यू वॉन्ट बी एबल टू गेट गन्स, कि अगर वो सक्सीड हो गया डेमोक्रेटिक एजेंडा तो बहुत जल्द ही हर एक कोई आदमी गन नहीं ले सकता, ठीक है, बिल्कुल सही बात की इसने. द गन लॉबीज मल्टी जनरल क्या है, मल्टी जनरेशनल सक्सेस इन दिस रिगार्ड इज बिल्ट अपॉन ए कल्चरल, जो जो हमारी गन लॉबीज का जो मल्टी जनरेशनल है ना सक्सेस, उसका जो सक्सेस मिलेगी वो इज बिल्ट अपॉन ए, वो किस चीज़ पर आधारित होगी, देखते हैं हम लोग. बिल्ट अपॉन ए कल्चरल, देखते हैं. कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है जो हमारी कहते हैं ना सामरिक धरोहर होती है, हिंदी में वर्ड बोलते हैं सामरिक, पता नहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन जो मतलब दार्शनिक के लिए जो देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं हेरिटेज, ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री में बनाई गई थी, जो अभी ताजमहल हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है. तो हेरिटेज के लिए, हेरिटेज पर बेस होगी क्या वो चीज़ जो सक्सेस मिलेगी, नहीं जी, हेरिटेज का तो कोई यहाँ पे लेना देना है ही नहीं. अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन होता है कि सही, जो सही चीज़ हो तो उस चीज़ पर बेस्ड होगी, या एजुकेशन पर बेस्ड होगी, एजुकेशन का कोई यहाँ पे लिंक नहीं है, हेरिटेज का कोई लिंक नहीं है,
या प्रोक्लेविटी, प्रोक्लेविटी होता है किसी की टेंडेंसी या इंक्लाइनेशन, क्या होता है टेंडेंसी, ठीक है, या इंक्लाइनेशन उसकी तरफ झुकाव। तो देखते हैं अपो ने कल्चरल डैश फॉर गन ओनरशिप रूटेड इन द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे यूज हुआ है गन ओनरशिप, गन ओनरशिप की प्रोक्लेविटी या अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे प्रोक्लेविटी इसलिए आंसर बनेगा क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि वो होते हैं जैसे आदमी की उसका पापा अगर गन लिए हुए तो उसका ट्रेडिशन है कि उसका बेटा भी लेगा, तो प्रोक्लेविटी का मतलब इंक्लाइनेशन कि उसको भी उसकी तरफ झुकना पड़ेगा कि उसको भी बंदूक रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशन हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि एप्रोप्रिएशन होता है एक पॉजिटिव वर्ड, तो एप्रोप्रिएट नहीं करनी हमें गन ओनरशिप को, हमें क्या करना है उसकी टेंडेंसी दिखानी है कि जो ओनरशिप कर रहे हो आप लोग वो टेंडेंसी बनाई हुई लोगों ने कि अगर किसी के पास है तो उसके परिवार वालों को भी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कल्चरल थी, मतलब जैसे राजपूत थे हमारे जो महाराजा महाराजे थे उनकी उनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर गन ओनरशिप रूटेड इन द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो इस चीज़ पर बेस्ड थी, जो ये गन ओनरशिप के बारे में जो इस अमेंडमेंट हुआ था हमारा सेकेंड अमेंडमेंट, उस चीज़ पर बेस्ड थी हमारी ये, ठीक है, जो सक्सेस मिली थी गन लॉबी को, ठीक है। अनटिल अमेरिकन्स अप्लाई रीजनेबल, जब तक अमेरिकन्स ने रीजनेबल अप्लाई नहीं किए थे, पता नहीं क्या रीजनेबल हमारा एक एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा, पता नहीं क्या चीज़ अप्लाई नहीं की थी, देखते हैं। इफ़ नॉट स्ट्रिंजेंट, अब जो अप्लाई की थी वो शायद स्ट्रिंजेंट नहीं थी, कठोर नहीं थी, ठीक है, वो यहाँ पे वर्ड आएगा वो क्या थी, ठीक है, टू गन ओनरशिप, कि गन ओनरशिप के लिए वो चीज़ शायद अप्लाई नहीं की गई थी, देखते हैं हम लोग। अप्लाई डाउट्स, अब डाउट थोड़ा ना अप्लाई करने हमें, कुछ ना कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा अप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिकन्स ने अप्लाई किया वो चीज़, ये भी हम हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्राइसेस, अब मतलब कहने का मतलब प्राइसेस ज़्यादा रख दो खरीद नहीं पाएंगे वो, अरे यार जिसको गन खरीदनी हो तो खरीदेगा ही खरीदेगा, तो इससे तो कोई हमारा क्या है वो कम नहीं हो सकती खरीदना उनका, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस, देखो स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत हुई होगी कि सर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी आ सकता है, यहाँ पे रेगुलेशंस भी आ सकता है, लेकिन जो हमारा रेगुलेशन होता है वो कभी अप्लाई नहीं होती, क्या नहीं होती अप्लाई नहीं होती, हमारी जनरली रेगुलेशन होती है लेट डाउन, गवर्नमेंट करती है रेगुलेशन को या इंट्रोड्यूस करती है जनरली, ठीक है, और जो अप्लाई करते हैं हम लोग वो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रेगुलेशंस के लिए अप्लाई वर्ड सुटेबल नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ कि रेस्ट्रिक्शंस उन्हें क्या करनी है अप्लाई करनी है, रीजनेबल मतलब जो रीज़न के साथ दी उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस दी हैं कि आप लोग गन ओनरशिप नहीं कर सकते हो। दे आर अनलाइकली टू एस्केप द रेगुलर विसिएशन, क्या है विसिएशन, विसिटेशन हमारे यहाँ पे वर्ड है, विसिटेशन का मतलब होता है जो एक्चुअल में जो अभी माहौल बना हुआ है, ठीक है, जो मास स्ट्रेटजी हुई है, जो बहुत सारे लोग साथ में मरे हैं, जिसका जो माहौल है उस चीज़ से बचने के लिए क्या है दे आर अनलाइकली टू, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग क्या है वो नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते गन नहीं ले सकते, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न दिए होंगे इसने कि आप लोग गन ओनरशिप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो हम लोगों ने इसका कर लिया इसको क्लोज टेस्ट को। तो देखा जाए तो जो ओवरऑल टेस्ट था हमारा इतना मुश्किल नहीं था कि आप लोग 30+ स्कोर ना कर पाओ इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि एक सेकंड में देखते ही उनका आंसर सामने था आपको, जो हमारे क्या थे नरेशन एक्टिवेस्ट पैसे वोइस थे या PQRS भी इतने मुश्किल नहीं थे आज, बिल्कुल हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, शायद एक दो क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि मुश्किल हो, और जो क्लोज टेस्ट था वो ठीक था, वो इतना ईजी भी नहीं था, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है तो शायद आप इसके अंदर 4+ स्कोर कर पाओ, ठीक है, 4+ मतलब 5, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको।